नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यहां पर मैं उसी के बारे में बताने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Amazon का PayICI क्रेडिट कार्ड, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है। मतलब कि इसमें नो एनुअल फीस मिलेगी आपको देखने को, नो ज्वाइनिंग फीस, यानी कोई भी आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, और कोई भी आपको साल का जो चार्जेस जाता है क्रेडिट कार्ड का वो यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर जीरो है। और दोस्तों यहाँ पर जो और आपको इसमें काफ़ी प्रकार के रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी प्रकार के ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, जिन पर आपको अच्छा खासा जो 5-10% इसका कैशबैक और रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप काफ़ी प्रकार के अर्न कर पाते हो कैशबैक, और आपको काफ़ी प्रोडक्टों पे भी इस पर अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिल जाता है। आप इससे कई प्रकार के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इसमें अच्छे खासी लिमिट भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। Amazon से इसे आप कैसे अप्लाई करोगे उसी का यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी है, स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप कर दी तो फिर स्टेप मिस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस कार्ड की रिक्वायरमेंट के लिए आपको यहाँ पर सैलरीड होना जरूरी है और सेल्फ एम्प्लॉयड होना जरूरी है, यानी कि आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, तब आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट प्रोसेस, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पे बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों साथ ही में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसका रिप्लाई वहां पर देने की कोशिश जरूर करता हूं, और साथ ही टेलीग्राम पर आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों बिना किसी तरीके बढ़ते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर और समझते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के द्वारा। दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां पर दोस्तों Amazon PayICI क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर Amazon के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पर मैंने अपने Amazon का एप्लीकेशन जो है ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आप दो तरीके से उस पर अप्लाई करने का प्रोसेस पर पहुंच सकते हो। तो यहां पर आप सर्च भी कर सकते हो Amazon, ठीक है, Amazon लिखोगे आप, जैसे PayICI क्रेडिट कार्ड देखिए ऊपर भी आ रहा है, यहां से भी आप क्लिक करके ये देखिए आ गया है हाउ टू अप्लाई द Amazon फॉर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर क्लिक करके भी आप गो टू ये जो लिंक दे रखी है ना Amazon PayICI क्रेडिट कार्ड ले अंडरस्कोर की लाइन करके दे रखी है, इसमें इस पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हो, या फिर आप बैक करके यहाँ से जा सकते हो। Amazon पे पर आपको क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको अभी ऊपर शो होगा, देखिए Amazon पे बैलेंस, Amazon पे लेटर, Amazon पे UPI, उसके बाद यहाँ पर Amazon PayICI पर आपको क्लिक कर देना है। फिल एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, प्लीज़ क्लिक टू कंप्लीट योर प्रोसेस। तो दोस्तों कंप्लीट योर एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंप्लीट प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंड पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर और पैन कार्ड की डिटेल डाल के नीचे कंटिन्यू के बटन पर नीचे क्लिक कर देना है, और नीचे आपको एक आई एग्री पर भी टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी डिटेल डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मेरी यहाँ पर सारी डिटेल डल चुकी है। उसके बाद दोस्तों नीचे मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरे जो है यहाँ पर आधार के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा। तो दोस्तों वो OTP मुझे यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मेरा OTP आ गया है, वो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों OTP डालने के बाद नीचे आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका OTP जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा OTP वेरीफाई हो गया है। अब मेरे सामने पर्सनल डिटेल की और यहाँ पर स्टेप खुलकर आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीन स्टेप दिखा रहा है। पहला स्टेप है यहाँ पर्सनल डिटेल का। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल डिटेल थोड़ी बहुत तो मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी पैन कार्ड की मदद से, आधार कार्ड की मदद से। उसके बाद कुछ डिटेल ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर फिल करनी होगी। जहाँ जहाँ पर ये रिक्वायर्ड का निशान है यानी कि रेड कलर का स्टार बना हुआ है, ये आपको भरनी ही भरनी है। तो दोस्तों सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जेंडर वाले ऑप्शन दे रखा है, ये ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। नीचे मैरिटल स्टेटस भरना है, आप अनमैरिड है या मैरिड है। एंटर ईमेल आईडी डालनी है, एंटर मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है, ठीक है। और दोस्तों नीचे आपको फैमिली प्रेफरेंस डिटेल भी डाल देनी है, ठीक है। अपनी फैमिली में जो भी आप रेफरेंस में डालना चाहते हो उसका मोबाइल नंबर वो डाल देना। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन है बैंक यूज ओनली ऑप्शनल, ठीक है। तो एजेंट आईडी लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें आपका कमेंट आएगा कि इसमें क्या डालें। दोस्तों ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हो, ये बैंक के यूज के लिए ओनली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डिटेल डाल देनी है, मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी सारी डिटेल डाल दिया, उसके बाद नीचे मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने, ठीक है, ऑफिस एड्रेस की डिटेल आ गई है, और एड्रेस पर योर आधार यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो गया है। तो दोस्तों इज द अबव एड्रेस सेम योर करंट एड्रेस। तो दोस्तों अगर आपका सेम एड्रेस जो है करंट एड्रेस वो ऊपर जो दिया है वही है तो आप यस कर सकते हो, वरना नो पर क्लिक करके अपना एड्रेस डाल सकते हो।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे एम्प्लॉय डिटेल आ रही है, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी सैलरी डिटेल भर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी जल्दी जल्दी सारी डिटेल भर देता हूँ, नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डाल दी और नीचे पर्सनल ईमेल आईडी पर मैंने ऑटिफिकेशन के लिए जो ओटीपी आएगा यहाँ पर मैंने पर्सनल ईमेल आईडी के लिए सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे क्या करना है, मुझे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरा ओटीपी आ गया है और मैंने ओटीपी डालकर यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने ओटीपी पर डालकर वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक किया तो मेरी ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गई है, इसमें ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ उसके बाद मैं दोस्तों नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे से अब एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है कि मुझे कौन से एड्रेस पर कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर कंपनी का एड्रेस दिखा रहा है और नीचे रेजिडेंशियल एड्रेस दिखा रहा है, जो मेरा होम एड्रेस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपको कार्ड चाहिए। तो मैं दोस्तों रेजिडेंशियल एड्रेस पर क्लिक कर लेता हूँ, जो मेरा होम वाला एड्रेस है। उसके बाद नीचे मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, प्लीज अपलोड इनकम डॉक्यूमेंट्स इफ प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट केवाईसी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे से इनकम के लिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और स्टेप केवाईसी के लिए भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो केवाईसी कर सकते हो और उसको कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम वीडियो केवाईसी कर लेते हैं। मैं जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों यस इनिटिएटिव वीडियो कॉल आ रहा है, वो क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे से मेरा पैन कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड को अपने पास यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ICICI बैंक का जो एजेंट होगा वीडियो कॉल के लिए उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों नाम शो होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का आएगा, जहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए आपके माइक की माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ कराएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है, जैसे सर्कल शो किया गया है हमारे सामने रेड कलर का, इसे अलाउ पे क्लिक करके और नीचे दोस्तों यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उस एजेंट की वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी, वो आपसे यहां पर आपकी वीडियो केवाईसी करेगा, आपसे जैसे आपका नाम पूछेगा, आपके पैन कार्ड पे जो भी डिटेल होगी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वेरीफाई करेगा, ठीक है, आप जॉब कहां करते हो सारी चीज वो वेरीफाई करेगा आपसे। आपको प्लेन पेपर ले लेना है, उस पर आपको साइन करा के देखेगा वो, और आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको रख लेना है। दोस्तों वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज यहां पर आ जाएगा, जहां पर दोस्तों लिखा होगा कि थैंक यू, योर वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी वीडियो केवाईसी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यहां पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर लेना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कैसे ट्रैक करना है। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर आ जाना है, जहां पर आपका अमेजोन एप्लीकेशन है इसको आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों जब आपका एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा तो दोस्तों आपको फिर से वहीं आना है अमेजोन पे पे, और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जहां पर आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था तो यहां पर अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का ट्रैक एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नई वेबसाइट पर ले जाएगा, जहां ICICI बैंक की वेबसाइट अमेजोन पे से लिंक जो है उस पर ले जाएगा। और यहां पर दोस्तों आपका ओटीपी ऑटोमेटिक आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर डाल लेना है, एंटर द 6-डिजिट कोड की जगह और नीचे वेरीफाई कर देना है। मेरा ओटीपी आ गया है, मैं अपना ओटीपी डाल लेता हूं। तो दोस्तों मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है और नीचे वेरीफाई पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि मेरा यहां पर स्टेटस मुझे शो हो गया है, मेरा एप्लीकेशन रिसीव हो गया है और डॉक्यूमेंटेशन भी वेरीफाई हो गया है। बस एप्लीकेशन जो है अंडर प्रोसेसिंग है अभी, उसके बाद दोस्तों 5 से 10 दिन लगेंगे और मेरा कार्ड अप्रूव्ड होते ही मेरे घर पर पहुंच जाएगा बाय पोस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस वीडियो की हेल्प से आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आप Amazon का PICICI क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के द्वारा। अगर आपको इस वीडियो को देखकर हेल्प मिली है, आपका कार्ड भी यहां पर अप्लाई हो गया है और आपके पास आ गया है, कितनी लिमिट मिली है सब कुछ कमेंट में बताना, ठीक है दोस्तों, जिससे और भी व्यूअर्स को हेल्प मिल सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।